एक कसाई था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया व जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम में आएगा। वापिस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहता था जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना की कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वह मांस तोल रहा है, वास्तव में वह शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह कटे गले मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए व कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चन नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया व उनको प्रणाम करके सारी बात बताई व श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरी ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा।